अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। इट्स 10:20 एंड मैं और अम्मी जा रहे हैं टू गेट आवर हेयर कट एंड आई एम गोइंग टू कलर माय हेयर। मैं अपने बाल ऑलमोस्ट 6 ईयर्स बाद कलर करवा रही हूँ, सो आई एम वेरी नर्वस एंड डर भी लग रहा है बिकॉज आई डोंट नो क्या होगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। अच्छा जी, तो हम अपने राइड का वेट कर रहे हैं विच इज़ 4 मिनट्स अवे एंड मिले मेरी परेशान हाल अम्मी से। सो यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो उस दिन जब मैं बाल कलर करके आई, फिर बिकॉज आई वेंट अराउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड देन आई केम बैक समथिंग 7:30। तो मैं आई, सबसे पहले तो नोरा पागल हुई हुई थी, उसको कंट्रोल किया आते साथ। फिर रिजवान के ऑफिस का काम ज़्यादा था तो वो थोड़ा सा पागल हुआ हुआ था है एंड रिजवान इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ कलर्ड हेयर। तो मतलब उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं है। आई वॉज लाइक ही इज़ नॉट इवन लुकिंग एट मी और कुछ बोल नहीं रहा है, इज़ ऑल ही वॉज नॉर्मल बट खैर। तो फिर उसमें ना बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ एंड देन आई कुडंट कंटिन्यू द व्लॉग। तो आज हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दीज आर हाउ माई हेयर लुक, आई लाइक देम एंड फाइनली रिजवान सेड कि मुझे वो बाल ज़्यादा पसंद है, ये बुरे नहीं है लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद। तो आज हम जा रहे हैं पार्क इफ्तारी करने विद माई ब्रदर, सिस्टर, मैं एंड रिजवान। सो आई एम एक्साइटेड बिकॉज उस दिन आई वेंट फॉर द शूट एंड इट वॉज सो पीसफुल एंड आई सेड यार लेट्स कम फॉर इफ्तार समडे एंड टुडे वी आर गोइंग, सो यस लेट्स गो। ओके, सो आई एम रेडी एंड वी आर लीविंग, सो लेट्स गो। तो ये हमारी तैयारियां चल रही हैं। हाउ आर यू, आर यू हैविंग फन? सो आई यूज़ टू बी समवन जिसको पार्क्स ज़्यादा नहीं अच्छे लगते थे, बट रिसेंटली आई हैव बीन इन लव विद इट। मतलब मेरा इतना दिल करता है कि हम आके इधर सुकून से बैठें और टाइम स्पेंड करें एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग एंड जस्ट ब्रीथ। नोरा कम हियर, रिजवान मजा आया, से थैंक यू टू मी। मारिया नोरा को नहीं ला रही, हाँ सही है सही है, से थैंक यू टू। ओके फाइन, फाइनली आज मैं आई हूँ अपना ड्रेस लेने। मैंने 2 शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं ड्रेसेस, तो बस अब उन 2 शॉप्स पे जाके मैं वो ड्रेसेस चेक करूँगी एंड आई विल गेट वन आउट ऑफ देम, है ना? ले इंशाल्लाह। मारिया ने फाइनली ड्रेस ले लिए और अभी ड्रेस रिवील घर जाके करूँगी। नहीं करूँगी, ईद पे। अच्छा जी, तो जो कपड़े मैंने लिए हैं दे आर वेरी डिफरेंट। नॉर्मली आई गो फॉर वेरी सेफ ऑप्शंस और स्पेशली इस टाइम पे जैसे ईद के कपड़े या किसी ओकेजन के, आई ऑलवेज गो फॉर सेफ ऑप्शंस क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। बट दिस टाइम विद माय हेयर एंड माय क्लोथ्स मैंने थोड़ा सा मतलब डिफरेंट करने की कोशिश की है। लेट्स डू अ क्विक व्हाट्स इन माय इमरजेंसी पाउच वीडियो। पाउच विल ऑलवेज बी विद मी वेर एवर आई गो। तो इसमें आई कीप दिस मिस्ट, इट्स रियली नाइस। देन दिस हैंड लोशन, दिस ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, ऑल साइजेस ऑफ सनी प्लास, एल्कोहल स्वैप दिस छोटू सा ब्रश एंड दिस पिंक ग्लॉस।
नाइस आ गई हमारी कॉफ़ी. हमें प्यार इतना ज़्यादा है कि हमने एक कॉफ़ी मंगवाई है और हम दोनों शेयर करेंगे. प्यार प्यार इतना ज़्यादा है ना, तो शेयर करने से प्यार और बढ़ता है. जस्ट केम बैक एंड फाइनली शॉपिंग हो गई कम्प्लीट. अपने कपड़े ले लिए, नोरा के जूते ले लिए एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें, कुछ मेकअप एंड पेंस एंड थिंग्स, सब कुछ ले लिया. सो आई एम रेडी फॉर ईद नाउ एंड आई एम एक्साइटेड एज वेल. बाकी येस, लेट्स एंड आवर व्लॉग हियर. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.